हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ ये चॉकलेट ब्रेड। इसको बबका ब्रेड भी कहते हैं, हालांकि बबका का चॉकलेट नाम से कोई कनेक्शन नहीं है, पर इस ब्रेड को इस नाम से भी जाना जाता है, बबका ब्रेड या फिर चॉकलेट ब्रेड, नटेला ब्रेड, तो आप जिस भी नाम से इसको समझें। आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए यही ब्रेड। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ईस्ट एक्टिवेट करने से। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लेवल में लिया है इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट। इस पर मैं डालूंगी चुटकी भर मैदा, सिर्फ चुटकी भर, और गुनगुने पानी में हम इसको एक्टिवेट करेंगे। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर ले पूरा ईस्ट पानी में। ये देखिए ईस्ट ना इस तरीके से हाथ में चिपकता है जब वो ठीक होता है। तो अगर आपका ईस्ट इस तरीके से हाथ में नहीं चिपक रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके ईस्ट की जो एक्टिवेशन पावर है वो ख़त्म हो चुकी है, या उससे आपका डो डबल नहीं होगा फूल के। तो इस तरीके से भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा ईस्ट ठीक है या नहीं। बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं करना है, यहाँ पर ये मिक्स हो गया है। इसको 10 से 15 मिनट अब हम ढक के रखेंगे ताकि ये फूल के डबल हो जाए, इसमें थोड़े बबल्स आ जाएं। और जब तक यहाँ पे हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो रहा है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इकट्ठा कर लेते हैं एक डब्बे में। इसमें मैं लूँगी 300 ग्राम मैदा। तो ये देखिए 300 ग्राम मैदा, 50 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी मैं यह सारा आपके सामने ही मेजरमेंट करके डाल रही हूँ ताकि आप लोग को भी कंफ्यूजन ना हो। 50 ग्राम चीनी, 1/4 TSP नमक, 1/2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 20 से 25 ग्राम घी, सॉरी, थोड़ा सा घी इसमें पहले से गिर गया था तो मैंने 21 ग्राम अभी डाला है, तो ये टोटल 25 ग्राम है इसमें घी। आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सबको एक बार हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करके इसमें हम डालेंगे हमारा एक्टिवेट हुआ ईस्ट। ठंड के मौसम में ईस्ट एक्टिवेट होने में कई बार 15 से 20 मिनट भी ले लेता है। इसको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें जितने पानी की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा पानी हम लेके इसमें आटा गूंदेंगे। आटे को हमें बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना है। थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालते जाएं। और इसको हमें रोटी के आटे जैसा एकदम चिकना करके नहीं अभी इसमें गूंदना है। अब इस वक्त हमें बस इतना पानी डाल के इसको मिक्स करना है कि ये सारा आटा जो है ये आपस में बंध जाए।
और ये देखिए हमें बस आटा इस तरीके से चाहिए कि ये इसका ये सारा आपस में ये डो बन जाए। और इस टोटल आटे को गूंदने में मेरा जो पानी लगा है ये है 1/2 कप। अब इस डो को हमें मसल मसल के चिकना करना है, तो यहाँ एक प्लेट ली है मैंने, उसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल, आप कोई भी रिफाइन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उसमें इस डो को निकाल के। स्ट्रेच एंड रोल के मेथड से इसको हम 10 से 15 मिनट कंटिन्यूसली ऐसे ही स्ट्रेच एंड फोल्ड करके चिकना कर लेंगे। 5 मिनट बाद भी हमें ये आटा थोड़ा चिकना लगने लगेगा, पर हम ब्रेड का कोई भी आटा होता है वो जितना ज़्यादा हम इस तरीके से मसलेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट और फूलेगा, उतना ही अच्छा टेक्सचर उसका आएगा। तो अगर आपको ऐसा लगे कि नीचे प्लेट में थोड़ा सा चिपक रहा है आटा, तो हल्का हल्का तेल इस तरीके से लगाएं और इसको इस तरीके से मसलते रहें। ये रेसिपी एज ए एक ब्रेड भी है और एक डेंस केक भी आप कह सकते हैं इसको, चॉकलेट केक। तो ये देखिए इस तरीके से कितने अच्छे से ये चिकना और स्मूथ हो गया है। इसको इस तरीके से हम ये बॉल एक बना लेंगे। और जिस डब्बे में हमें इसे रखना है डबल होने के लिए, उसमें हम तेल से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर भी हल्का सा तेल लगा लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो। अगर ठंड का मौसम है तो ये कई बार 2 से 3 घंटा ले लेता है डबल होने में, और गर्मी के मौसम में 1 से 1.5 घंटे में भी डबल हो जाता है ये। तो इसको पूरा टाइम दे डबल होने का और उसके बाद में आगे का प्रोसीजर बताऊँगी। तो यहाँ पे ब्रेड जो है वो फूल चुका है, तो सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे हवा। और इस पे मैं थोड़ा सा मैदा छिड़कूंगी ताकि हमारा आटा इस पे चिपके ना। और इसको हमें रेक्टेंगल शेप में बेल लेना है। थोड़ा सा इसको जितना पतला कर सके उतना थोड़ा सा पतला इसको कर ले। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी यहाँ पे हर्षी का स्प्रेड, आप यहाँ पे कोई भी स्प्रेड लगा सकते हैं कोई भी ब्रांड के चॉकलेट का। इसको थोड़ा सा चम्मच से मिक्स कर लें ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से स्प्रेड हो सके। इसको हम हमारे पूरे इस डो पे फैला लेंगे अच्छे से। ये देखिए इसको इस तरीके से मैंने चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, बहुत अच्छी लेयर लगाई है। ये मेरा है 150 ग्राम का बॉक्स है, ये थोड़ा सा बचा है इसमें, बाकी इसमें लग चुका है हमारे डो में। इसको अब हम एक तरफ से करेंगे रोल, कोशिश करें थोड़ा सा टाइट रोल करें। इस डो को अब मैं करूंगी बीच में से कट। इस तरीके से
लास्ट में मैंने थोड़ा सा जॉइंट छोड़ा है, उसको मैंने पूरा जॉइंट नहीं कट किया है, और इसको अब हम करेंगे इस तरीके से टर्न कि जो चॉकलेट वाला पार्ट है ये हमारा ऐसे ऊपर आ जाए, और इसको अब हमें एक साथ ट्विस्ट करना है, एक साइड मिलेगी इस तरीके से। जो चॉकलेट वाला पार्ट है उसको ऊपर की साइड ही रखें, और लास्ट में इसको इस तरीके से जोड़ दें। और यहाँ पे मैंने लिया है 8.5 इंच का टिन, और इसकी जो चौड़ाई है ये है 3.5 इंच। इसको मैंने घी से ग्रीस किया हुआ है, इस पर आपको बटर पेपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे इस डो को अब मैं डालूँगी इस टिन में, इस तरीके से। इसको आपको दबाने या फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम साइज़ का वो आराम से फिट हो गया है। इसको मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी सेट होने के लिए, ताकि आधे घंटे में इसका साइज़ फिर से थोड़ा सा ये डबल हो जाएगा, थोड़ा सा प्रूफ होके उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। तो यहाँ पे आधे घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ा हुआ था सेकेंड प्रूफिंग के लिए। इसको अब मैं डालूँगी ओवन में बेक होने के लिए 220 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए। आप अपने ओवन के साइज़ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका जो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ब्रेड बेक हो चुका है, इसका जो ये वाला पार्ट है अच्छे से ये थोड़ा ब्राउन होने दें उसको, गोल्डन ब्राउन, और इसका साइज़ थोड़ा सा और फूल के बड़ा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं डालती हूँ बेक होने के लिए, उसके बाद दिखाती हूँ ये कैसा बेक हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट में ब्रेड बन के तैयार है, बहुत ही अच्छे से। इसका कलर आप देखिए कितना अच्छा है। इससे ज़्यादा हमें और बेक नहीं करना है, वरना हमारी चॉकलेट जो है वो जल जाएगी। तो इस पे हम एक काम कर सकते हैं कि आप चाहे तो शुगर सिरप से भी इसको हल्का सा सोक कर सकते हैं अभी गर्म में ही, या फिर आप इस पे थोड़ा बटर भी लगा सकते हैं, इस पे और शाइन आ जाएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ये बबका ब्रेड या फिर चॉकलेट ब्रेड इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।